हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं वो ये है, मैं आपको कहूँ प्रोजेक्शन की एक तरह से आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आपको कोई प्रोजेक्शन ला के दे दे, कोई प्रोजेक्शन दे किसी हिल्बर्ट स्पेस एच पे, तो आप वहाँ ये क्या क्या कह सकते हो उस प्रोजेक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको प्रोजेक्शन बनाक स्पेस पे डिफाइन किया, वहाँ प्रॉपर्टी अलग थी उस प्रोजेक्शन की। जैसे ही मैं हिल्बर्ट स्पेस लेकर आई, उसके अंदर प्रोजेक्शन का मीनिंग अलग था। तो वही कहा जा रहा है कि जैसे ही मैं प्रोजेक्शन का नाम लूंगी, तो यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर उस प्रोजेक्शन से आप क्या क्या इम्प्लाई कर सकते हो, ये है सारा। ओके, वन बाय वन हम सबको प्रूफ करेंगे, और इनको प्रूफ करते हुए भी देखो जिस सीक्वेंस में लिखे हुए ना, उस सीक्वेंस में प्रूफ करते हुए हम नेक्स्ट वाले को प्रूफ करने के लिए उससे प्रीवियस वाला जरूर यूज करेंगे। लास्ट टू प्रूफ में तो पक्का यूज होना है। ओके, तो करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर आपको पॉजिटिव ऑपरेटर की डेफिनेशन याद हो तो यहाँ कहा गया है कि अगर p प्रोजेक्शन है ना तो p पॉजिटिव होगा। ओके, सबसे पहले तो देखो p प्रोजेक्शन है, प्रूफ शुरू हो गया है। p प्रोजेक्शन है, p इज प्रोजेक्शन, क्या समझते हो इसका मतलब? हाँ, हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर है, ये है, हो गया। अब प्रूफ शुरू कर रहे हैं। पार्ट आपको शो करना है कि पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पी पॉजिटिव ऑपरेटर है। वो शो करने के लिए देखो फॉर कोई भी एलिमेंट उठाया आपने हिल्बर्ट स्पेस एच का, पी एक्स कॉमा एक्स, क्या इसको मैं ये लिख दूं पी स्क्वेयर एक्स कॉमा एक्स? क्यों, पी प्रोजेक्शन और पी पी स्क्वेयर के इक्वल है। लिखो, एक पी को यहीं रहने दो, एक पी को इधर शिफ्ट कर दो, अपने स्टार के साथ शिफ्ट होगा वो पी। देखो जो जो कर रही हूँ ना, बहुत ध्यान से करना, देखते रहना। इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, एक पी को यहीं छोड़ दो, एक पी को शिफ्ट कर दो, हो गया। पी प्रोजेक्शन है, पी स्टार भी पी के इक्वल है। नॉर्म है, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगी, हो गया। कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स उठाए उसके लिए मैंने ये शो कर दिया। इसका मतलब क्या है, पी पॉजिटिव ऑपरेटर है, डन। सेकंड पार्ट देखो, ये शो करना है कि जो भी पॉजिटिव ऑपरेटर होगा वो जीरो से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, या आइडेंटिटी ऑपरेटर से वो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। देखो अब यहां से बाय पार्ट फर्स्ट पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना तो हो गया। एंड इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको शो करा था कि आई माइनस पी प्रोजेक्शन बनती है, एंड आई माइनस पी इज प्रोजेक्शन किस पे बन रही है। अभी वो उसकी जरूरत नहीं है हमें, बस इतना चाहिए था कि आई माइनस पी प्रोजेक्शन बन रही है। और हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया कोई भी प्रोजेक्शन हो वो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या है, पी इसको एंड इसको कंबाइन करो कि आपके पास ये रिजल्ट आ गया। जी हाँ, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, हो गया इतना। अब देखो थर्ड पार्ट, पी ऑफ एक्स की नॉर्म को लेस देन इक्वल टू एक्स आपने शो करना है, हो गया। नॉर्म एक्स स्क्वेयर को उठाओ, कैसे उठाओगे? देखो एक्स प्लस पी एक्स ऐड किया, पी एक्स सब्ट्रैक्ट किया और इसका स्क्वेयर। आई एक्स को आई ऑफ एक्स लिख सकती हूं मैं, लिखो। इसको मैं पहले लिख रही हूं, देखो इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, यही चीज आएगी। आइडेंटिटी हर एक एलिमेंट को उसी पे मैप कराएगा, आई ऑफ एक्स एक्स माइनस पी ऑफ एक्स एज इट इज, हो गई ये चीज। अगर आपको ध्यान हो तो एक वीडियो है पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम आपसे क्या कहती है कि अगर एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के, तो एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वेयर इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वेयर। ये थ्योरम है पाइथागोरियन थ्योरम। और माइनस के लिए भी यही हो जाता है, हमें प्लस की जरूरत। अभी हम प्लस पे काम कर रहे हैं, सो हम प्लस वाला यूज करेंगे।
पाइथागोरियन थ्योरम लगाओगे। देखो कैसे, ये प्रोजेक्शन बनती है एम पे, ये प्रोजेक्शन बनती है एम ऑर्थोगोनल पे, इसका रेंज स्पेस है एम। अभी मैं ज्यादा लिख नहीं रही हूं, मैं डायरेक्टली बता रही हूं आपको वन लाइन में कि मैं कैसे कह रही हूं कि यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम लगाने के लिए पाइथागोरियन थ्योरम लगाने के लिए जिन दो एलिमेंट्स पे आप लगाओगे वो दो एलिमेंट ऑर्थोगोनल होने चाहिए। भाई मेरे को क्या पता ये दोनों ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। जब मैंने इसको प्रोजेक्शन शो करा था, मैंने कहा था एम ऑर्थोगोनल पे, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनती है वो क्या होता है, उसका रेंज स्पेस बनता है, यानी वो एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा, होगी ये चीज। अब ये एम में बिलोंग कर रहा है, ये एम ऑर्थोगोनल में बिलोंग कर रहा है, एंड एम और एम ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं ना। एम तो एम ऑर्थोगोनल के ऑर्थोगोनल होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी और इनकी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की बात नहीं करते, एक दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो गई इतनी। अब जो एलिमेंट एम ऑर्थोगोनल में जाएगा, खुद आप मुझे एक बात बताओ, वो एलिमेंट क्या एम के ऑर्थोगोनल नहीं होगा क्या? उस एलिमेंट का एम के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा? होगा बाय डेफिनेशन। सो इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट जीरो है, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहां से मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगा के इन दोनों को सेपरेट कर सकती हूँ, कर दो सेपरेट। अगर आपको अभी भी पता नहीं चला है मैं पाइथागोरियन थ्योरम कैसे लगा पा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, क्योंकि यहाँ पे वही स्टेप मेन है और कुछ भी नहीं है आगे, तो बस कैलकुलेशन है, यहाँ पे मेन है। अब देखो मैं आपसे कहूँ 20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, क्या ये 20 बड़ा नहीं है 5 से? बड़ा है ना, क्योंकि 20 तो इसके इक्वल है यहां से 5 से, तो ये 20 बड़ा है। ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इनके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्या मैं ये लिख दूं? क्योंकि मुझे ये देखो प्रूफ में पी ऑफ एक्स चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ पी ऑफ एक्स उठाया। हो सकता है ना ये इमेज जीरो आ रही हो, ये पॉसिबल है, उसके लिए तो ये इक्वालिटी लगा दी मैंने कि मे बी ये वाली चीज जीरो आ रही हो, और अगर ये चीज जीरो नहीं है, नॉन नेगेटिव है, कुछ ना कुछ तो आएगी, जीरो नहीं है तो पॉजिटिव आएगी, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा, और दोनों लगाए हैं तो कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये इनइक्वालिटी चल जाएगी, इसलिए दोनों तरफ से स्क्वेयर हटा दो। वो आप कहोगे स्क्वेयर हटाते ही प्लस माइनस आना चाहिए, नहीं, ये नॉर्म चल रहा है इसलिए प्लस माइनस का कोई खेल नहीं होगा, सिर्फ प्लस ही आएगा, स्क्वेयर हटाओगे सी, यही आपको शो करना था। हो गया। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, नॉर्म पी लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो बनाक स्पेस के अंदर पढ़ते हैं आप, नॉर्म ऑपरेटर की नॉर्म को आप कैसे डिफाइन करते हो, देखो टी को लेकर मैं डिफाइन कर रही हूं, टी ऑफ एक्स कह लो, टी ऑपरेटर है एक्स पे लगा रही हूं मैं, ब्रैकेट नहीं लगा रही, ये होती थी वहां पे डेफिनेशन बनाक स्पेस के अंदर। आप पढ़ रहे हो हिल्बर्ट स्पेस, बस कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पी की डेफिनेशन क्या होगी, अब बस इतना फर्क होगा जो एलिमेंट आएंगे ना वो एच से आ जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस से, क्योंकि आप ये सारा काम हिल्बर्ट स्पेस के अंदर पढ़ रहे हो, इतना फर्क है बस। पी ऑफ एक्स को मैं एक्स लिख सकती हूँ, और यहाँ इनइक्वालिटी आएगी। मैंने किसका यूज करा, इसका, फॉर ऑल एक्स ऐसा हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स पे, सो मैं ये लिख सकती हूँ, सो आए, सो मैंने ये लिख दिया। अब देखो नॉर्म एक्स की, इस पूरे ऐसे एक्स जो हिल्बर्ट स्पेस एच से हैं उनकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू वन है, ऐसे एक्स का सुप्रीमम क्या आएगा, वन आएगा ना, तो और हर एक एलिमेंट उस सुप्रीमम से छोटा होगा। इसका देखो इस पूरे सेट का सुप्रीम इसमें है एक्स, और कौन से एक्स जिनकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू वन है, और सारे सबके लिए बात हो रही है ये, इसलिए इसका सुप्रीम आएगा वन के इक्वल, बीच में इनइक्वालिटी है इसलिए पी लेस देन इक्वल टू वन, ये हो जाएगा। ये था इसमें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक
थैंक यू।